सवाल कि आप इस तरह से मैं तो आपकी जो लाइफ है आपका फ्यूचर इस तरह से बैठे कि आपकी फ्रेंड्स आपके पूरे को पूरे इलाके को क्या पूरे स्टेट को क्या पूरी कंट्री को रोशन करें। तो टीचर का काम ही होता है, टीचर का काम पढ़ाना है, चाहे यहां पे हो चाहे किसी और जगह पे हो। अगर हम टीचर का रोल थोड़ा सा दो लफ्ज में हाईलाइट करें तो टीचर तो सिंपली एक चार्ज जैसा होता है, जिसको हम कह सकते हैं एक टीचर की डेफिनेशन अगर हम कहें एक टीचर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो यही बात है। मेरी जिंदगी का मकसद है किसी के काम आओ, मैं चला गया गुजर हूं मुझे शौक से जाओ। बात है क्यों लिखने की चीज जहां पे जाएगा उसको इलम की रोशनी से हर एक को लिखे लाइए, हर एक को इससे रोशना करना है, ये लिखी चीज का काम है। बाकी जो यहां पे हमने सफर किया 7 साल का 8 साल का उसमें जो मेरे यहां पे लिखे हुए साथी थे बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैं क्या कहूं कि वो कहते ना यादगार सफर था। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और खास करके अपने प्रिंसिपल सर का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें हमेशा वो हम कहेंगे मोर देन एक्सपेक्टेड उससे भी ज्यादा रेस्पेक्ट हमें दी और हर एक मामले में हमारी जो भी राय होती थी उनकी बहुत ज्यादा कदर होती थी। तो उनके लिए मैं खुद से थैंक्स करना चाहूंगा मोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सर का। और मैं यही कहना चाहूंगा कि टीचर तो बदलते रहते लेकिन हर एक टीचर का एक ही काम है आप तक इल्म को पहुंचाना, लेकिन आपके सामने चेहरे बदलेंगे लेकिन जो मकसद होगा वो नहीं बदलेगा, वो तो वही है और आपका मकसद भी वही है पढ़ाई। तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगा जो भी आपका मकसद है क्योंकि आप जब यहां पे आ गए हो आपके सर पे आपके माँ बाप की इज्जत आपके टीचर्स के रेस्पेक्ट आपके सोसाइटी के रेस्पेक्ट तो इन तीनों चीजों का ख्याल रखें। फिर अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। और जो बाकी मेरे दोस्त यहाँ पे है मेरे प्लीज यहाँ पे है तो अगर दोषी पड़वानों वैसे बांध तो था मुझे गया तो वो देश में देख पाएंगे थे उनका ठेका दे तो उसके लिए मैं आपसे सहज से माफी चाहूंगा। तो ये तो क्योंकि खुदारा खास था मैंने तो कभी किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की और माशाल्लाह हमारे टीचर साहब यहाँ पे बहुत अच्छे है तो मुझे ऐसा जहन का विलिंग यहाँ जो होता थोड़ा बहुत उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और वंस अगेन मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने फ्यूचर को अपने सामने रखिए, और ये रखिए यार कि जिंदगी बहुत ही कठिन है। जब लोहे को आग में डाला जाता है आग में तपने के बाद तब वो कोई शक्ल इख्तियार कर लेता है और वही तपना हार्ड वर्क है। और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको लोहे जैसा बनना है, आग में तपना है, तब आप कोई शेप इख्तियार करोगे और वो शेप इख्तियार करके आप अपना वैल्यू इख्तियार करेंगे। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से उसका।